रही थी, फिलहाल वो खत्म हो चुकी है। प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्योंकि सांसद है तो जो लोग मिलते हैं उनको तो सीधे से परिचय होता है, कैसे संदेश पहुंचे, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वोटर मतदाता होते हैं कि जिनका न कोई काम होता है न जो दूसरे कार्यक्रमों में मिलते हैं, उनके पास आपके काम का कैसे संदेश पहुंचे, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो और सोशल मीडिया हो, इस पर कैसे काम हो, इसकी भी चर्चा आज हुई। राम नाईक जी ने अपने चुनाव क्षेत्र को कैसे संवर्धन करना, कैसे नर्सिंग करना, कैसे नर्चर करना ताकि बार बार सफलता मिलती रहे, उसके अनुभव के आधार पे बहुत अच्छे गुण सिखाए। और अंत में लाल कृष्ण आडवाणी जी का मार्गदर्शन हुआ, उन्होंने तो हमारे इस अप्रत्याशित सफलता के लिए सबको बधाई दी। और मोदी जी कैप्टन थे इस कैंपेन के, तो पहले ही टेस्ट में मोदी जी ने ट्रिपल सेंचुरी की, ये उन्होंने कहा। और पिछले एक महीने से ये सरकार काम कर रही है और प्रधानमंत्री और टीम मोदी यानी पूरा मंत्रिमंडल जनता के लिए बहुत अच्छी सोच कर निर्णय कर रहा है, इसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने इस पहलू का भी एक सबको याद दिलाई कि भारतीय जनसंघ के दिनों से लेकर अभ्यास वर्ग की एक परिपाटी रही है और उनको खुशी थी कि वो आज भी तुरंत हमने एक महीने के अंदर की है। और उन्होंने ये याद दिलाई कि दीनदयाल जी ने अपना एकात्म मानववाद एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक सोच का आधार भी ऐसे ही एक अभ्यास शिविर में बना था, दीनदयाल जी ने रखा था। उन्होंने एक लक्ष्य दिया लोगों को, सारे सांसदों को, कि अब पहली बार विजय मिला है, देशभर में जो माहौल तैयार हुआ, जो प्रयास हमने किए, मोदी जी ने जिस सफलता से नेतृत्व किया, लोगों ने जिस तरह से मेहनत की, तो उसके कारण एक शानदार सफलता मिली। लेकिन अब दूसरी बार जीतना और बार बार जीतते रहना, इसकी तैयारी आज से ही करो। और इसके लिए उन्होंने कहा कि कभी भी अहंकार से बचो, अहंकार नहीं होना चाहिए। और सब लोगों से सभ्यता से व्यवहार करें, अपने पार्टी के हो, दूसरे हो, आम नागरिक हो, सबसे सभ्यता से व्यवहार करें, अहंकार से बचे और जनता के सेवक के रूप में जो काम करना है उसके उन्होंने अनेक उदाहरण दिए। और आज उन्होंने इसका जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सफलता के कारण कांग्रेस में बेचैनी बढ़ी है। और एंटनी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, जो भी जिस तरह से बातें सामने आ रही है, कांग्रेस की छटपटाहट दर्शाती। प्रकाश जावड़ेकर को आप सुन रहे थे। जाहिर तौर पर ट्रेनिंग सेशन में जो कुछ भी हुआ है और आगे क्या कुछ हुआ जाना है उस कार्ययोजना के बारे में वो जिक्र करते हुए, लेकिन एक बार फिर